हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नीता कपूर के मच अवेटेड सीरियल नागिन 4 को लेकर कयासो का बाजार काफी गर्म है और दर्शकों को काफी ज्यादा इंतजार है नागिन 4 के शुरू होने का। इस टीवी शो को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है और लोगों की एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए लगातार ही नागिन 4 को लेकर एकता बड़े बड़े खुलासे भी कर रही है। अब सामने आई नई जानकारी टीवी प्रेमियों के बीच तूफान मचाने वाली है। खबर इस तरह की है कि टीवी शो के लिए सीरियल निर्माता एकता कपूर को दूसरी नागिन मिल गई है। इस तरह की खबर आ रही है कि टीवी सीरियल में अंकिता लोखंडे नजर आ सकती है। खबरों की अगर मानी जाए तो एकता कपूर ने निया शर्मा के बाद दूसरी नागिन के किरदार के लिए मणिकर्णिका स्टार यानी कि अंकिता लोखंडे के नाम पर मोहर लगाई है। हालांकि अभी तक इस खबर पर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जरूर टीवी प्रेमी खुशी से झूम जाने वाले हैं। नागिन फैंस को काफी ज्यादा पसंद आएगा ये तोहफा। इतना ही नहीं, अगर अंकिता इस टीवी शो में एंट्री करती है तो एकता के साथ उनका ये दूसरा टीवी शो होने वाला है। इससे पहले वो एकता के टीवी शो पवित्र रिश्ता से देश के करोड़ों टीवी प्रेमियों के दिलों पर राज कर चुकी हैं। ये टीवी शो एक बेहद हिट रहा था और इसके बाद प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस ने दोबारा साथ काम नहीं किया। जानकारी देना चाहेंगे आप सभी को कि अंकिता बीते दिनों कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में छलकारी बाई के किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अब अगर अंकिता इस टीवी शो में नागिन के किरदार में नजर आएंगी तो दर्शक खुशी से झूम जाने वाले हैं। तो क्या आप भी टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को नागिन 4 में आने की खबर से एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।